आज शाम को करीब 9:30 बजे केरल के पुलिस अधिकारियों द्वारा, जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के पुलिस अधिकारियों द्वारा सूचना मिली कि यहाँ दो नकबजनी के बदमाश आए हुए हैं लोकेशन के आधार पर, और हमारी टीम, केरल की टीम यहाँ आई हुई है जिनको इमदाद देनी है। तो उच्च अधिकारियों के आदेश के साथ में श्रीमान प्रोबेशनर IPS साहब शरण कामले जी के नेतृत्व में टीम भेजी गई, और टीम ने करीब लोकेशन के आधार पर 2-2.5 घंटे पीछा करने के बाद बदमाशों की लोकेशन अंदरकोट इलाके में कवानी गेट के पास में आई। तो फोटो के आधार पर उनकी पहचान की गई टीम के द्वारा, और टीम के द्वारा घेरा डालकर उनको पकड़ने का प्रयास किया गया। तो एक बदमाश छुड़ाके और भागने लगा तो उसको दबोचा गया। तो एक बदमाश ने पिस्टल निकालकर 3 राउंड पुलिस टीम पर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद भी पुलिस टीम द्वारा काफी संघर्ष करते हुए और फायरिंग करते हुए दूसरे उसके साथी को दबोचा गया, और दबोच करके उनकी तलाशी ली गई। तो उन दोनों के पास में 2 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस, मैं मैगजीन के, एक नकब बड़ा लोहे का, एक बड़ा पेचकस, ये उनके कब्जे से बरामद हुआ है। और ये दोनों ही उत्तराखंड के रहने वाले हैं, रुड़की जिले के। क्या नाम है नक सर? एक का नाम है शहजाद और दूसरे का नाम है दानिश, और ये बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं, और इनकी थाने पर लाकर इनसे गहन पूछताछ की जा रही है, और कहाँ वारदात की गई है, और केरल में जो प्रकरणों में वांछित है उनकी टीम भी इनसे गहन पूछताछ कर सर, रही ये है। अजमेर क्यों आया, कुछ आया क्या सामने? ये अभी पूछताछ चल रही है, पर ये वहां से जो वारदात करके, और चूंकि उत्तराखंड के रहने वाले हैं और यहाँ कोई और वारदात करने की फिराक में भी थे, क्योंकि इनके पास नकब मिला है, नकबजनी के और साधन मिले हैं, इसलिए शायद ये वारदात करने की फिराक में यहाँ भी होंगे। तो इसको लेकर भी पूछताछ की जा रही सर, है। दरगाह थाने से इमदाद मांगी गई थी, लगभग कितने सिपाही गए थे दरगाह थाने से? दरगाह थाने से करीब 5-7 की टीम गई है, और केरल पुलिस की टीम थी। सर, क्या मानते हैं इमदाद घटना होने, जो फायरिंग की जो घटना हो गई इसके बाद इमदाद मांगी गई है? नहीं, इमदाद पहले मांगी गई है। तो सर, रिहायशी इलाके में किसी को लग भी सकती थी सर, अगर ज्यादा पुलिस सिविल ड्रेस में होती तो सर? ऐसा पुलिस सिविल ड्रेस में तो होती है, अगर ड्रेस में होगी तो बदमाश का पीछा नहीं किया जाएगा, वो आइडेंटिफाई हो जाती है, पुलिस टीम हमारा पीछा कर रही है। लेकिन पुलिस टीम को भी ऐसा अंदेशा नहीं था कि इनके पास ऐसा वेपन होगा और भीड़ भाड़ वाले ऐसे इलाके में ये फायरिंग कर देंगे। के करीब केरला पुलिस से हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि वहाँ जो हाउस ब्रेकिंग में इन्वॉल्व क्रिमिनल्स है वो यहाँ अजमेर आए हुए हैं, और उनके उनको पकड़ने के लिए केरला से टीम आई है। तो फिर SP सर और अदर सीनियर ऑफिशियल से डिस्कस करने के बाद फिर हमारी हम उस टीम के साथ उन दोनों को ढूंढने के लिए लगभग 9:30 से लगभग 12-12:30 बजे तक हम उनको ढूंढते थे। वो अपना लोकेशन बदलते रहते थे, और फिर हमें उनका आखिरी लोकेशन जो स्टेबल मिला वो दरगाह के इधर था। तो हम ढूंढ ढूंढ रहे थे उनको टीम में डिवाइड करके, तो कमानी गेट के पास वो दोनों हमें मिले। और फिर जब उनको हम उनको पहले से हमें उनकी इमेजेस पता थी, तो फिर जब हम वहाँ आए तो फिर उन्हें पकड़ने की कोशिश जारी रही। उसमें से एक एक के पास तो पिस्तल था, तो मैं और एक केरला पुलिस के एक टीम के मेंबर है, उन्होंने उसको धरने की कोशिश की। मेरा हाथ उसके पिस्तल पे था, उसने दो तीन तीन गोलियां फायर की, और वो उसके पिस्तल के ऊपर ऐसा हाथ रखा था इसलिए मैं उसको नीचे पकड़ के रखा था, इसलिए वो फायर नीचे ही हो गए। और तब तक एक उसमें से वो एक भाग गया था, उसके पीछे भी एक टीम चली गई थी। फिर हमने वहाँ उनको धर दबोचा, उसके बाद फिर जो जाप्ता था उसके मदद से उसको हम फिर यहाँ लेके आए। जो दूसरा वाला भाग गया था उसके पास भी बैग मिला है जिसमें एक पिस्तल और एक फुल 5 राउंड्स का मैगजीन मिला है। और जो दूसरा वाला था जिसके पास से जिसने फायर किया था उसके पिस्तल में से फिर 2 राउंड मिले हैं, उसमें 3 उसने पहले ही फायर किए थे। तो उनके बाद फिर उनके पूछताछ की गई, उसके बाद उनका लोकेशन यहाँ नज़दीक जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसके आसपास वो जो लोकेशन था वहाँ लेके गए उनको, और वहाँ से फिर जो उनके साथ माल था उसका भी
बरामद कर दिया है, उसके बाद उनका मेडिकल करके फिर अगले वाली कार्यवाही की जाएगी। सर दो ही थे या और भी थे? इन्फॉर्मेशन तो दो ही लोगों के आए थे और हमने उन दोनों को सोशल मीडिया पे वीडियो पे वायरल हो रहा है, आप भी उनसे बहुत मशक्कत कर रहे हैं उनसे पिस्टल चलाने, क्योंकि हमें एक तो पता नहीं था कि उनके पास वेपन होंगे। हम टीम के साथ उनको ढूंढ रहे थे, जब वो दोनों मिले तो वो हम पे ओवर पावर कर रहे थे थोड़ा, तो उसके लिए हमारा संघर्ष काफी चल रहा था और हमारे जो टीम के मेंबर थे हम पूरी कोशिश करते उनको पकड़ने की। सर पे जो चोट आई है क्या वो पिस्तल? यहाँ यह पिस्तल के उसके इस पे मेरा हाथ था इसलिए वो इधर खरोच आए, यहाँ क्या लगा है मुझे पता नहीं है, बट कान के ऊपर छिल गया पूरा और दो घुटने छिल गए हैं। ठीक है सर, आपका नाम? मेरा नाम कामले शरण गोपीनाथ है और मैं 75 RR IPS प्रोबेशनर हूँ और मेरा अजमेर डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिला है। ठीक है।